हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे RRB की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फोर की, ठीक है। यहाँ पे पार्ट फोर आपको दिया रहेगा, तो पार्ट फोर की आपको इस वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पार्ट फोर देख लीजिएगा। पार्ट थर्ड तक की आपका पिछले वीडियोज़ में हो गया था, तो आज हम बात करेंगे पार्ट फोर की, ठीक है। पार्ट फोर, ठीक है। तो इससे पहले ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी, RRB और जितने भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट GK के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो इसी तरह आप वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में 83 तक की क्वेश्चंस बता दिए थे, आज हम शुरू करेंगे 84 से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। आज का ये पहला वीडियो में पहला क्वेश्चन है आपका 84 से, ठीक है। पॉइंट नंबर 84, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रस्थापित किया गया था, इसका नाम है हाइगेंस के द्वारा। सही आंसर इसका हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 85 पे चलते हैं। 85, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? उसका सही आंसर है ध्रुवण के आधार पर, ध्रुवण के आधार पर, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 86, इस वीडियो में मैं आपको 19 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। टोटल 19 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 86 पे चलते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? उसका नाम है मैक्सवेल, मैक्सवेल जी ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 87 पे चलते हैं। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? उसका सही आंसर है ग्रोमाल्डी, सही आंसर है इसका ग्रोमाल्डी, ठीक है। पॉइंट नंबर 88 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? गौर करिएगा, बात यहाँ पे लिखा नहीं होती, इसका सही आंसर है ध्रुवण, ध्रुवण प्रकाश की दोनों घटनाओं में घटित नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 89 पे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यतिकरण का सिद्धांत, सही आंसर इसका व्यतिकरण का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 90 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। चंद्रमा के से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड, इसका सही आंसर है 1 सेकंड, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग समय लगता है 1 सेकंड का, ठीक है, जो कि बहुत कम है। पॉइंट नंबर 101 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पॉइंट नंबर अगले पे चलते हैं। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका सही आंसर है वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 108, 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसका सही आंसर है। पॉइंट नंबर 103 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इसका सही आंसर है किरीट, किरोना, कोरोना, ठीक है। पॉइंट नंबर 104, पानी से भरे हुए बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? आपको लगता होगा जब आप किसी बर्तन में सिक्का डालते तो आपको लगता है ऊपर ही है सिक्का, नीचे नहीं है, ये किस कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, आपको शीशा, आपको सिक्का ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 105 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। पानी में डुबोई एक घड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका सही आंसर प्रकाश का अपवर्तन। पॉइंट नंबर 106 पे चलते हैं। किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कारण प्रकाश नीला रंग का दिखाई पड़ता है, इसका सही आंसर प्रकीर्णन, स्क्रैटरिंग, स्क्रैटरिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर 107 पे चलते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर प्रकीर्णन के कारण, आसमान आपने ज़्यादातर देखा होगा लाल रंग किस कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। 108 प्रश्न पे चलते हैं। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी, सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग फैलता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 109 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। पूरा पूरा देख लीजिएगा वीडियो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे एक गलती नज़र आ रही है,
मैंने यहाँ तक की बता दिया, ठीक है, बैंगनी तक की। ये देखिए 109 तक की मैंने आपको बताने कहा था, यहाँ पे फिर वही सीरीज़ दोबारा से हमसे गलती हो गई है प्रिंट करने में, तो ये दोबारा चल गई। चलिए कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन में बता देता हूँ यहाँ तक की हो गया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 109 पे चलते हैं, ठीक है। आप 110 यहाँ आप समझ लीजिएगा। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू चमकीला नहीं दिखाई देता, या फिर धूतिहीन होता है। मतलब कि क्वेश्चन सुनिए अच्छे से, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन दिखाई देता है, ध्रुतहीन दिखाई देता है, मतलब कि वो चमकीला नहीं दिखाई देता। इसका कारण है परावर्तन, परिवर्तित हो जाता है अपने समतल रंग में, ठीक है। पॉइंट नंबर 110 पे चलते हैं, यहाँ पे 101 लिखा है, 110 समझ लीजिए। परिस्कोप बनने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका सही आंसर है समतल दर्पण। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 110 वाला, पेरिस्कोप बनने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, उसका सही आंसर है समतल दर्पण, ठीक है। पॉइंट नंबर 110, साबुन के पतले भाग में चमकदार रंगों को बनना किस घटना का परिणाम है। 102 पॉइंट है आपका, 111वां पॉइंट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिकल्पना परिमाण पर आधारित है, परिघटना पर आधारित है। इसका सही आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। देखिए यहाँ पे सही आंसर दिया गया है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, ठीक है, इसका सही आंसर है। पॉइंट नंबर 103 पे 112 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। पिछली साइड, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, पीडीएफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारे इस वीडियो का, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पिछली साइड की ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है उत्तल, उत्तल दर्पण। यहाँ पे आपको पीछे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ उत्तल दर्पण सही आंसर है इसका, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 83 से 112 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और आरआरबी की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगले पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर करते रहिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो आपके साथ पढ़ते लिखते हैं और आरआरबी की तैयारी करते हैं। ये था हमारा।